बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। 10 जून 2021 को शनि जयंती है। उस दिन वट सावित्री व्रत भी है और सूर्य ग्रहण भी है। तो आज हम विशेष रूप से बात करेंगे शनि जयंती की। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि देव का जन्म हुआ था, इसीलिए उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि। इस बार ये 10 जून को पड़ रही है। तो 10 जून के दिन तीन इवेंट हो रहे हैं, एक तो वट सावित्री व्रत है, सूर्य ग्रहण है और भगवान शनि देव का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। तो आप किसी का भी बर्थडे हो, जन्म उत्सव हो, उस दिन यदि आप उनको बर्थडे विश करते हैं तो वो खुश होते हैं। तो यदि आप शनि देव का जन्म उत्सव मनाएंगे तो निश्चित रूप से शनि देव प्रसन्न होंगे। और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शनि देव कर्म फल दाता हैं, हमारे कर्मों के रिजल्ट देने वाले। तो भगवान शनि देव की कृपा हम पर हो और हम सबको अच्छे रिजल्ट प्रदान करें हमारे कर्मों के, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन से परेशानियों को दूर करें। तो इसके लिए बहुत अच्छा मौका है कि उनके बर्थडे के दिन हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर लें। तो कैसे आप सरल तरीके से शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, जितना भी हम कर्म करते हैं ना, मेहनत करते हैं, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन शनि से होता है, सैटर्न प्लैनेट से होता है। तो यदि सैटर्न प्लैनेट आपकी कुंडली में अनुकूल हो तो आपकी मेहनत के अच्छे रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हम बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा काम करते हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन हमको अच्छे रिजल्ट मिलते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, 20-20 घंटे, 15-15 घंटे लोग कहते हैं कि हम काम करते हैं, नहीं मिलता। कुछ लोग 5-6 घंटे में अच्छा धन कमा लेते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं 5-6 घंटे काम करते हैं। तो ये क्या है? कर्म फलदाता शनि की कृपा है। जिस पर शनि देव की कृपा होती है वो कम मेहनत में भी अच्छा धन कमा लेते हैं। तो हम सब पर कर्म फलदाता शनि देव की कृपा हो, न्याय के देवता शनि देव की कृपा हो और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें अच्छे रिजल्ट मिले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, 10 जून का दिन है, ग्रहण है, लेकिन ये ग्रहण भारत में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के शेष भाग में ना सूतक लगेगा और ना ही ग्रहण के नियम लागू होंगे। तो इसलिए आप शनि देव का बर्थडे मना सकते हैं, शनि जयंती मना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो शनि जयंती के दिन क्या करना चाहिए आपको जिससे कि शनि देव की कृपा मिले? सबसे पहला काम तो सुबह स्नान ध्यान कर लीजिए और इसके बाद शिव जी और हनुमान जी का पूजन करिए। आप कहेंगे बर्थडे शनि देव का है और आप हम बता रहे हैं कि जी शिव जी और हनुमान जी की पूजा करिए। देखिए, है क्या कि जब आप शिव जी और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनि देव प्रसन्न होंगे, क्योंकि शिव जी की पूजा से शनि देव खुद भी शिव भक्त थे, तो शिव जी की पूजा से शनि देव प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी से उन्होंने वादा किया था कि जो आपकी पूजा करेगा उसको मैं नहीं सताऊंगा। तो शिव जी और हनुमान जी का पूजन करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले आप स्नान ध्यान कर लीजिए, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करिए, बेलपत्र चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का एक माला यानी 108 बार जाप कर लीजिए, फिर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और शाम के समय कम से कम 8 गरीबों को खाने पीने की चीज़ें दान करें। कोरोना का समय चल रहा है और पंडित जी कह रहे हैं खाने पीने की चीज़ें दान करें, कैसे करें? तो देखिए, उसका सरल तरीका ये है, आप फल बांट सकते हैं जो इस सीज़न में फल मिलते हैं, जैसे आम मिल रहा है तो कम से कम 2-2 आम, अच्छे बड़े बड़े आम 8 गरीबों को दे दीजिए, या कोई और फल जो आपका मन करे वो फल दान कर सकते हैं, या अगर आपके पास समय है तो आप अपने घर में भोजन बना सकते हैं, पूरी सब्जी बना ली, हलवा पूरी बना लिया, जो मन करे बनाइए, बढ़िया भोजन बनाइए और उसके पैकेट बना लीजिए, 8 पैकेट बना लीजिए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा करके और दूर से आप गरीबों को भोजन दे सकते हैं। तो शनिदेव प्रसन्न होंगे गरीबों को भोजन कराने से, शनिदेव प्रसन्न होंगे भोलेनाथ का पूजन करने से, शनिदेव प्रसन्न होंगे हनुमान जी का पूजन करने से। तो बस आप इतना कर लीजिए और शनि देव
जब हनुमान जी और शिव जी का पूजन कर लें तब शनिदेव को मन ही मन प्रणाम करें, उनसे निवेदन करें कि वो आप पर कृपा करें, आपके जीवन की परेशानियां दूर करें और जो आप मांगना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी तरीके से जब देखिए गरीबों में भी शनि का वास होता है, तो गरीबों को जब आप दान करेंगे भोजन सामग्री या फल जैसे हमने आपको बताया, तो दान करेंगे और दान करने के बाद सबको बड़े विनम्रता से दान देना है। देखिए दान लेने वाला बड़ा है तो हमें हमेशा झुक के दान करना चाहिए कि वो हमारा दान ग्रहण कर रहा है, इस भाव से दान करना चाहिए। विनम्र होकर के दान करिए, सबको प्रणाम करिए और फिर शनिदेव को प्रणाम करिए कि शनिदेव हम पर कृपा करें, हमारी परेशानियों को दूर करें और जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं वो करें। इस तरीके से आप शनि जयंती मनाइए, शनिदेव की कृपा मिलेगी, पूरे साल आपको फायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। भगवान कृष्ण को स्मरण करिए, जरूर बोलिए मेरे साथ जय श्री कृष्ण।